नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जीएसटी परिषद की बैठक में बड़ा फैसला, अब मात्र 50 वस्तुएं 28% के दायरे में। पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा, गुजरात चुनाव के कारण जीएसटी सुधार को मजबूर हुई सरकार। एनजीटी ने केजरीवाल सरकार से पूछा, सम विषम योजना लागू करने का आधार बताए। सम विषम के दौरान दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे यात्री। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की रिलीज पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय का इनकार। सुरक्षा बल को बड़ी सफलता, गुजरात तट के पास 5 पाकिस्तानी नौकाएं जब्त। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सांगली में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस वाहन पर आतंकवादियों ने हमला किया। राजस्थान के अजमेर में रोहिंग्या अमानुल्लाह गिरफ्तार, पिछले 7 सालों से फर्जी कागजात के आधार पर रह रहा था। कर्नाटक में टीपू जयंती पर विवाद, विरोध में प्रदर्शन, बसों पर पथराव। राकांपा नेता शरद पवार ने कहा, लोढ़ा समिति की रिपोर्ट ने क्रिकेट को बर्बाद किया। दक्षिणी फिलीपींस द्वीप में इस्लामिक स्टेट के हमले में 6 सैनिकों की मौत। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।